बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में और लज्जत दे। आज मैं आपके साथ सफ़ेद चने की बिरयानी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बच्चे बड़े सब ही पसंद करते हैं और बड़े ही शौक से खाते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने 2 अदद बड़ी प्याज काट के रख ली थी, 1 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याला दही, कलरफूड टमाटर, 4 बड़े अदद टमाटर, 10 अदद छोटी हरी मिर्च, 2 नींबू, चना 250 ग्राम जो कि मैंने बॉईल करके रख लिया था, 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद बॉईल किया था, 1 kg राइस बनस्पति। उसके बाद ये मेरा होम मेड बना हुआ मसाला है, बिरयानी मसाला, और खड़े मसालों में हैं काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, आलू बुखारा, बादियान फूल पत्ता और जीरा। तो अब हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो अब हम सबसे पहले फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई करेंगे। व्यूअर्स देखिएगा, आपके 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी प्याज बहुत प्यारी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको हम गार्निश करने के लिए थोड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। इसमें हमने तेज़पत्ता डाला है, बादियान के फूल और ये बड़ी इलायची, आलू बुखारा, छोटी इलायची और लौंग और काली मिर्च और ये ज़ीरा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे होममेड मसाला, जिसमें मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने होममेड मसाले में हमने शामिल किया था जायफल, जावित्री, सौंफ और साबुत धनिया, पिसी हुई मिर्च, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी थी और ये सब चीज़ें जो है ना हमने पीस कर रखी होती है। ये मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 कप। ये 1 कप दही शामिल किया हमने और इसमें ये जो चने हमने उबाल कर रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह हम इसको थोड़ा सी देर के लिए भूनेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। इसमें टमाटर शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बस देखिए, हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है। हम राइस शामिल कर देंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। 15 मिनट के लिए हमने इनको भिगो के रखा था, अब हमने इनको शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे और इनको हाई फ्लेम पर पानी खुश होने तक पका के रखेंगे। तो व्यूअर्स, हमने इसको हाई फ्लेम पे पानी खुश होने के लिए रखा था। देखिए, अब इसका पानी खुश हो चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे लीमू शामिल करेंगे इसमें। शामिल करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा कर रखेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। सफ़ेद चने की बिरयानी है, चटपटी मसालेदार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम वो प्याज जो हमने फ्राई की हुई निकाल के रखी थी उससे हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बिरयानी बनी है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप देखें, इसको रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व करेंगे और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा और ट्राई करना ना भूलिएगा। ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। शुक्रिया।